सो हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल दिस इज शिवानी केसवानी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा आर आर बी पी ओ का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड दो हज़ार इक्कीस और दो हज़ार बीस दोनों का और मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाने से पहले ही मैं बता दूँ कि न दो हज़ार बीस में न दो हज़ार इक्कीस में मैंने इसका प्रीलिम्स क्लियर किया था आई बी पी एस पी ओ मेंस क्लियर कर चुकी हूँ बट आर आर बी पी ओ का प्री मेरा क्लियर नहीं हो पाता था आ, क्या दिक्कत रहती थी वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप आर आर बी पी ओ इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे आ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले आपको मैं ये दो हज़ार इक्कीस वाला स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं शिवानी केसवानी जनरल कैटेगरी से मैंने फॉर्म भरा था और एक तारीख को एग्जाम था एक अगस्त 2021 राजस्थान से ये मैंने फॉर्म भरा था आ, जो मैं कहूँगी सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ बट मैंने राजस्थान से ये फॉर्म भरा था और आप देखेंगे कि मैंने दोनों सालों में मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ रही वो क्लियर करी है बट राजस्थान की क्लियर नहीं कर पाई इसलिए मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया यहाँ पे आप जानते हैं आपको फोर्टी फाइव मिनट्स मिलते हैं फोर्टी क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं फोर्टी क्वांट्स uh, के मिलते हैं और सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है यहाँ पर मेरा Uh, जो आपका uh, आप uh, जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं साढे बारह नंबर रीजनिंग में और नौ uh, नंबर uh, लगभग आपके क्वॉन्ट्स में तो इसकी कट ऑफ इसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 60.75 गई है और uh, मेरे नंबर आए हैं 33 आए हैं रीजनिंग में और 21.75 क्वॉन्ट्स में आए हैं और 54.75 uh, मेरा स्कोर रहा अगर आप एमपी की कट uh, ऑफ देखेंगे तो मेरी एमपी की कट ऑफ क्लियर रहती है हमेशा और पता नहीं क्यों राजस्थान की कट ऑफ मेरी नहीं क्लियर हो पाती है राजस्थान में हमेशा कट ऑफ हाई जाती है तो आप ये देख के ज़रूर भरिएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ उसी स्टेट से भरिएगा दूसरी चीज़ आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज मांगी जाती है ठीक है तो ये तो था आ, मेरा स्कोर ऑफ़ दो हज़ार वाले एग्ज़ाम का अब ये दो वाले एग्जाम का आप देख सकते हैं Uh, ये एग्जाम हुआ था इकतीस दिसंबर uh, uh, 2020 जनरल राजस्थान अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि 11 कट ऑफ गई है रीजनिंग की आठ uh, uh, लगभग गई है क्वांट्स की और uh, छासठ गई है टोटल राजस्थान uh, की कट ऑफ जो अगेन हाई है और मेरे पचपन आए थे और uh, पिछली बार तो एमपी की कट ऑफ सिर्फ 44 गई थी 44 और मेरा 55.25 स्कोर बना था आप यहाँ पे देख सकते हैं Uh, मैं स्कोर uh, यहाँ पे आपको ये भी uh, दिखाने आई हूँ कि कितनी स्टेट वाइज कट ऑफ गई थी तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश की कट ऑफ देखेंगे तो फिफ्टी फोर पॉइंट टू फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की जब मेरा फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव स्कोर बना था और अगर आप uh, इसके बाद की कट ऑफ देखेंगे तो uh, वो गई थी फोर्टी फोर समथिंग ये देखिए फोर्टी फोर पॉइंट टू फाइव मध्य प्रदेश की कट ऑफ और मेरा आया था फिफ्टी फोर समथिंग तो आप देख सकते हैं कि आर आर बी पी ओ में पता नहीं क्यों मेरा लक साथ नहीं देता है शायद इस वजह से बट ठीक है अब आपने आर आर बी पी ओ की तैयारी स्टार्ट कर देनी है कैसे करनी है वो स्ट्रैटेजी मैं छोटा सा आपको आ, समझाना चाहूंगी आइए स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले जो आपको आ, समझने की जरूरत है वो है एक अच्छा मॉक टेस्ट अगर आप आ, बिगिनर हैं तो आपको कौन से मॉक टेस्ट खरीदने की ख़रीदना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ इवन मैंने भी यही मॉक टेस्ट परचेज किया था जब मैंने प्रेपरेशन नई नई स्टार्ट की थी uh, तो आप वो परचेज कर सकते हैं uh, uh, टेस्ट बुक का पास अभी इस पे स्पेशल ऑफर चल रहा है आज फादर्स डे है तो हैप्पी फादर्स डे सारे फादर्स को और इसी पे एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको uh, 18 मंथ्स का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है uh, ट्वेल्व मंथ्स के कॉस्ट uh, पे मतलब थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ में और वो भी अगर आप मेरा कोड uh, लगाते हैं जीरो टेन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो आपको थर्टी नाइन रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा और ये थ्री सिक्सटी का आपको पास पड़ेगा टेस्ट uh, बुक के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं अगर uh, मैं बताऊँ किसी बिगिनर्स के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट आई वुड से uh, तो आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ आने वाला है इंग्लिश नहीं आने वाला है बट हाँ आपको अगर इंग्लिश ऑप्ट करना है मेंस में तो आपको इंग्लिश भी साथ साथ में करते रहना है इंग्लिश आपको कैसे पढ़ना है आपको बस एडिटोरियल्स डेली के पढ़ने हैं और कुछ कुछ ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं वही एडिटोरियल में आपको अप्लाई करते जाना है साथ में आपको जनरल अवेयरनेस के लिए आशीष गौतम सर की वीडियोज देखते रहना है डेली जैसे ही प्री हो जाएगा उसके बाद मैं और वीडियोज मेन्स की ले आऊंगी बाकी अभी आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है ठीक है क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ याद करना है कोई रूल वगैरह याद करना है कुछ भी नहीं और नॉर्मल आपको बस आपकी प्रैक्टिस पे फोकस करना है जो जो आपको अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं क्योंकि अर्थमेटिक की भी ऑब्वियसली अर्थमेटिक के काफी सारे दस से पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो अर्थमेटिक को भी आपको ध्यान में रखना है तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको दिन का एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है मॉक टेस्ट बहुत सारे टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस और चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे हर टाइप के टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए और जो जो टॉपिक्स अभी भी आपको नहीं आते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए Uh, यहाँ पे मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बोलूंगी कि मैं दोनों बार एग्जाम नहीं निकाल पाई देखो मैं कभी भी ये नहीं uh, बोलती कि यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा गई थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया नहीं बिल्कुल भी नहीं इवन मैं तो ये बोलूँगी कि मेरा इतना स्कोर होना चाहिए कि जो जिस स्टेट की हाइएस्ट कट ऑफ गई है वो भी क्लियर होनी चाहिए तो आपको कट ऑफ नहीं देखनी है आपको ये देखना है कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए और वो सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की थी और मैं इंग्लिश पे थोड़ी डिपेंडेंट भी हूँ आप देखेंगे मेरे इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा रहता है उसमें इंग्लिश नहीं होती है तो इस वजह से भी मेरा आ, स्कोर कम रह जाता है तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे और कोई चीज काम नहीं आने वाली है आपको प्रैक्टिस 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 करनी है बस इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे यहाँ पे और बताने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी और दोनों बार मेरा क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे सीख सकते हैं कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप प्रैक्टिस ना करें ओके तो प्रैक्टिस कीजिए टेक्स्ट बुक पास परचेस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बाकी आ, मैं बुक्स पर भी रिव्यू लेके आने वाली हूँ जिससे आपको कुछ और अच्छा मटेरियल मिल जाएगा अगर आप वो बुक्स खरीदेंगे तो ठीक है इस वीडियो को इतना ही रखते हैं आ, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं वहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप ऑन होता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में कीप स्टार्टिंग अपना ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए बाय बाय